नमस्कार, जनित न्यूज़ के बॉलीवुड बफ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनक माथुर। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र यानी कि हमारे ही मैन सोशल मीडिया पर अक्सर एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से वह अपने फैंस के साथ हमेशा कनेक्ट रहते हैं और समय समय पर अपने फैंस को जवाब भी देते रहते हैं। आपको बता दें कि एक्टर धर्मेंद्र हाल ही में सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल हो गए हैं। उन्होंने एक ऐसी पोस्ट शेयर की है जिसकी वजह से लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। बताते चलें कि एक्टर धर्मेंद्र ने अपने ट्विटर अकाउंट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक फोटो शेयर की और उसमें लिखा है कि मैं आपको सलाम करता हूं नेताजी, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। इस पोस्ट पर लोग उन्हें काफी ट्रोल कर रहे हैं। एक्टर के इस पोस्ट पर एक लड़के ने लिखा कि आप पागल तो नहीं हो गए ना। वहीं धर्मेंद्र ने ट्रोलर को जवाब देते हुए लिखा है कि कोई बात नहीं अंशुमन, पागलपन से ही जिंदगी में इंकलाब आता है। इसके साथ ही वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है कि इतनी रात को जागना सेहत के लिए ठीक नहीं है सर। इसके जवाब में धर्मेंद्र लिखते हैं कि नींद के भी अपने ही नखरे होते हैं अक्षय, कभी कभी बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन अब मैं सो जाऊंगा। एक्टर धर्मेंद्र की वर्क फ्रंट की अगर बात करें तो वह जल्द ही रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आएंगे। इस फिल्म का डायरेक्शन करण जौहर कर रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ जया बच्चन और शबाना आजमी भी अहम किरदार करते हुए नजर आएंगी। यह फिल्म 10 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बॉलीवुड की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनहित न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।